भारत जैसे बड़े देश को गैर विश्वसनीय अमेरिका की गोद में बिठाने का मैं विरोध करता हूं। मोदी योगी झूठे और पाखंडी हिंदूवादी नेताओं द्वारा जेसीबी और हथौड़े से शिवलिंग और मूर्तियों को तोड़ने का और नाले में फेंके जाने का मैं घोर विरोध करता हूं। भाजपा नेताओं द्वारा बेटियों के सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद भी मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। भाजपा विधायक और मंत्रियों द्वारा गरीब की बेटियों की इज्जत लूटने और इन बेटियों पर ही उल्टा केस करवाने और फिर उनको जिंदा जलवाने की नीचता का मैं विरोध करता हूं। वर्तमान संसद में सबसे ज्यादा अपराधी सांसद भाजपा के हैं। अपराधियों को सांसद बनाने की नीति का मैं घोर विरोध करता हूं। भाइयों, मैं इस अमीरों की गुलाम और गरीबों की दुश्मन सरकार का विरोध करता हूं। भाइयों, आज स्पीच अप इंडिया मुहिम में मैं अपना समर्थन देता हूं। मैं इस मोदी सरकार की नाकामी पर अपना विरोध दर्ज करता हूं। मैं राकेश तंवर पृथला मोदी सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के लिए मोदी और खट्टर सरकार की खिलाफत करता हूं। गरीब की कमर तोड़ने वाली और 15 लाख के झूठ पर की गई नोटबंदी का मैं विरोध करता हूं। 6 सालों में अभी तक काला धन वापस क्यों नहीं आया? काले धन को वापस लाने का सफेद झूठ बोला, मैं झूठ का घोर विरोध करता हूं। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को बर्बाद करने वाली गलत जीएसटी का मैं विरोध करता हूं। प्रधानमंत्री की बेहद खर्चीली और गैर उपयोगी विदेशी यात्राओं का मैं विरोध करता हूं। आजादी के बाद से स्थापित कूटनिरपेक्ष भारतीय विदेश नीति को बदलने का मैं घोर विरोध करता हूं। भारत जैसे बड़े देश को गैर विश्वसनीय अमेरिका की गोद में बिठाने का मैं विरोध करता हूं। हमें एक परमाणु शक्ति बनाने में मदद करने वाले और भारत के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होने वाले रूस से बनाई गई दूरियों का मैं विरोध करता हूं। मेक इन इंडिया के नाम पर छोटे और लघु उद्योगों के साथ हुए धोखे का मैं विरोध करता हूं। 2 करोड़ रोजगार के झूठ का मैं विरोध करता हूं। जम्मू कश्मीर में नागरिकों और पत्रकारों को सच बोलने पर रखी पाबंदी का मैं विरोध करता हूं। विपक्ष को जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करने से रोकने का मैं विरोध करता हूं। विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए। जनता से झूठ बोलकर विपक्ष को बदनाम करने का मैं घोर विरोध करता हूं। युवाओं को स्किल इंडिया का धोखेबाज सपना दिखाया और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, मैं इस धोखे का विरोध करता हूं। स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर अरबों रुपए बर्बाद करने का मैं विरोध करता हूं। गैर जरूरी बुलेट ट्रेन के लिए 50 साल के लिए पूरे देश को जापान का कर्जदार बनाने का मैं विरोध करता हूं। खुद मोदी जी ने स्वीकार किया कि 80% गोरक्षक आपराधिक तत्व हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? गोरक्षा के नाम पर अपराधियों को बढ़ावा देने का मैं विरोध करता हूं। मॉब लिंचिंग में बेकसूर लोगों की हत्या पर मोदी जी अभी तक एक शब्द नहीं बोले, मैं मोदी जी की एक संवेदनहीनता का विरोध करता हूं। गो हत्या को अपराध घोषित करने का कानून क्यों नहीं बना? गो मांस के निर्यात में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाने का मैं विरोध करता हूं। गंगा की सफाई के नाम पर बना मंत्रालय ही नालियों में बहा दिया और अभी तक गंगा साफ नहीं। गंगा का बेटा बोलकर मां गंगा का अपमान करने का मैं विरोध करता हूं। विश्व की सबसे प्राचीन देवनगरी काशी में दिखावे के विकास के नाम पर ऐतिहासिक मंदिरों और इमारतों को तोड़ने का मैं विरोध करता हूं। मोदी योगी झूठे और पाखंडी हिंदूवादी नेताओं द्वारा जेसीबी और हथौड़े से शिवलिंग और मूर्तियों को तोड़ने का और नाले में फेंके जाने का मैं घोर विरोध करता हूं। मंदिर तोड़ने के विरोध में बैठे साधु संतों पर लाठी चार्ज करने का मैं विरोध करता हूं। श्री राम मंदिर
निर्माण ट्रस्ट में साधु संतों की जगह सरकारी नेता बिठाने का मैं विरोध करता हूं। भाजपा नेताओं द्वारा बेटियों के सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद भी मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री की इस बेटी विरोधी खामोशी का मैं विरोध करता हूं। भाजपा विधायक और मंत्रियों द्वारा गरीब की बेटियों की इज्जत लूटने और इन बेटियों पर ही उल्टा केस करवाने और फिर उनको जिंदा जलवाने की नीचता का मैं विरोध करता हूं। भाजपा राज में दिन रात बढ़ रहे बलात्कार और हत्या के अपराधों का मैं विरोध करता हूं। भारतीय संविधान के खिलाफ बनाया गया CAA कानून का मैं विरोध करता हूं। CAA के विरोध में खड़े नागरिकों पर लाठीचार्ज और गोलियां चलाने का मैं विरोध करता हूं। शाहीन बाग जैसे अहिंसक विरोध स्थल पर पुलिस की बर्बरता का मैं विरोध करता हूं। भाजपा की सोशल मीडिया टीम द्वारा CAA का विरोध करने वाली महिलाओं को गालियां देकर उनका घोर अपमान करने का विरोध करता हूं। किसानों को फसल का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का झूठ बोला, मैं किसानों के साथ हुए इस धोखे का विरोध करता हूं। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई। किसानों की जान बचाने में नाकाम हुई सरकार का मैं घोर विरोध करता हूं। वर्तमान संसद में सबसे ज्यादा अपराधी सांसद भाजपा के हैं। अपराधियों को सांसद बनाने की नीति का मैं घोर विरोध करता हूं। चुनावों की आचार संहिता के बीच आतंकी हमला होने देना और उस हमले की जांच पर पाबंदी लगाकर सरकार की नीच हरकत का खुलासा होने से रोका जा रहा है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए 44 जवानों को मौत के मुंह में झोंकने का मैं घोर विरोध करता हूं। जब सर्जिकल स्ट्राइक में सारे आतंकवादी मार दिए तो फिर अब हमारे जवानों को कौन मार रहा है? सेना का राजनीतिकरण और आतंकी हमलों के बारे में बोले जा रहे झूठ का मैं विरोध करता हूं। कश्मीर में विदेशी नेता बुलाकर कश्मीर दिखाने की क्या जरूरत थी? दुनिया के सामने देश की संप्रभुता का अपमान करने का मैं विरोध करता हूं। बाहरी नेताओं को बुलाने और देश के नेताओं को एयरपोर्ट से लौटाने का क्या मतलब है? जब सब ठीक है तो देखने क्यों नहीं देते? सबसे छुपाकर कश्मीर के लोगों पर हो रहे अत्याचार का मैं विरोध करता हूं। जिन्होंने कश्मीर में अपराध किए वो लोग मर चुके हैं। उनके नाम पर पूरे कश्मीर के लोगों को बदनाम करना, उनके प्रति नफरत पैदा करना बंद करो। और कश्मीर के लोगों को देशद्रोही बनाना, कश्मीर के साथ धोखा करके वोट लेने की राजनीति का मैं विरोध करता हूं। मनरेगा दुनिया की सबसे बेहतरीन योजना है। पहले उसे कांग्रेस की गलती बताया और अब उसी से लोगों की मदद करने का ढोल बजा रहे हो। संसद में बैठकर झूठ बोलने वाली नपुंसक और दो मुही राजनीति का मैं विरोध करता हूं। कांग्रेस को खत्म करने और महात्मा गांधी से लेकर राहुल प्रियंका गांधी सबका अपमान करने की कायर और बुजदिल मोदी सरकार का मैं विरोध करता हूं। राजनीति में परिवार पर हमला करना, मां और बहनों को बदनाम करना, लांछन लगाने की घटिया राजनीति का मैं विरोध करता हूं। दुनिया के सैकड़ों देश महात्मा गांधी के नाम पर अपना झंडा झुकाते हैं और उस महात्मा को देशद्रोही कहते हो तुम, जिसने एक कपड़े में रहना स्वीकार किया पर अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाया। उस महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा करवाते हो। दुनिया में महात्मा गांधी का अपमान करने पर भारतीय जनता की छवि खराब करने का मैं विरोध करता हूं। मध्य प्रदेश की सत्ता के लालच में देश को कोरोना के मुंह में धकेलने का मैं विरोध करता हूं। दुनिया में हो रहे लॉकडाउन के बावजूद नमस्ते ट्रंप में लाखों लोगों को भारत आने दिया। अपनी वाहवाही के लिए भारतीय जनता को मौत के हवाले करने की जानलेवा राजनीति का मैं विरोध करता हूं। बिना पूर्व सूचना और जनता को संभालने का मौका दिए बिना एक के बाद एक लॉकडाउन करके लाखों मजदूरों को खानाबदोश बनाने और पैदल भटकने पर मजबूर किया।
गरीब विरोधी तानाशाही का मैं विरोध करता हूं। देश की एक गरीब मां ने पैदल चलते हुए पेड़ के नीचे बच्चे को जन्म दिया। इस दर्दनाक सफर के लिए मजदूरों को अकेला छोड़ने का मैं विरोध करता हूं। 20 लाख करोड़ देने के नाम पर सिर्फ बैंक लोन देने की निष्ठा के लिए मोदी सरकार का मैं विरोध करता हूं। विपक्ष के सुझावों को अनदेखा कर यूपी में 1000 बसों को वापस लौटा दिया, लेकिन गरीब लोगों की मदद नहीं करने दी। सरकार के इस गंदे खेल का मैं विरोध करता हूं। भाइयों, मैं इस अमीरों की गुलाम और गरीबों की दुश्मन सरकार का विरोध करता हूं।